राज जी का संदेश मिला था कि हम क्रिकेट का मैच करवा रहे हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने आना है। पहले भी मैं आता हूं तो उनके आग्रह पर मैं यहां आया हूं और बड़ा अच्छा लगा। खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे हैं, इंटरनेशनल स्तर तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारी सरकार कर भी रही है कि वो तो टूटना ही था। बिना किसी मुद्दे का गठबंधन, केवल अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, हमने शुरू में ही कहा था कि ये गठबंधन नहीं है, मैंने तो ये कहा था ये लठबंधन है और वो लठबंधन टूट गया है। तो पहले भी उनका कोई असर नहीं था और अब तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। चुनाव की पूर्णतया तैयारी है, हम इलेक्शन कमेटी प्रदेश कांग्रेस की बन गई है, उसकी पहली मीटिंग 30 तारीख को दिल्ली में है 11 बजे। उसमें जो रूपरेखा तय होगी उसके मुताबिक टिकटों का वितरण हो जाएगा। में हमारा एक प्रोसेस है, प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग होगी, फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है हमारी, उसकी मीटिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। जल्दी हो जाएगा, लंबा समय नहीं लगेगा। इस बार 70 से ज्यादा होंगी। विज्ञापन तो देखिए जरूरी होता है, सरकार अपनी उपलब्धि गिनवाए उसमें क्या बुराई है, गिनवा रही है। अब चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बंद हो जाएगा सरकार का काम। देखिए भाजपा अपना आधार खो चुकी है, जो आपकी हजकां और बीएसपी है, हजकां का तो आपने देख लिया लोकसभा में भी कितना जनाधार है। कुलदीप बिश्नोई को कोई नेता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जहां तक बसपा का तल्लक है, बसपा की थोड़ी बहुत बात लोकसभा में थी वो मायावती की वजह से कि प्रधानमंत्री बनानी है, लेकिन अब कोई बसपा का आधार नहीं है। जो लोग गए थे वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और भारी बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीतेगी।